देश में किस तरह नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है और कैसे धीरे धीरे देश दो हिस्सों में बट गया है, ये सभी के सामने है। खासकर जब से मोदी राज आया है तब से एक खास समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इस समय निशाने पर ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर हैं। जुबैर के खिलाफ पहले ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने और नफरत का बढ़ावा देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, वहीं अब दिल्ली पुलिस ने कई और धाराएं लगा दी हैं। कौन सी है वो धाराएं, देखिए रिपोर्ट। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और नफरत को बढ़ावा देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तो वहीं आज मोहम्मद जुबैर की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। जुबैर की ओर से भी अदालत में जमानत याचिका भी दायर की गई थी। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जुबैर से पुलिस को आगे भी पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ने पर उसकी पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी, ऐसे में उसे जमानत की जगह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जबकि जुबैर के वकील का दावा था कि 4 दिन की पूछताछ और पुलिस की जांच में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, इसलिए अदालत को जमानत देना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 3 और धाराएं लगा दी हैं। ये धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 201, सबूत नष्ट करने के लिए फोन फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने, धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए और FCRA की 35 धारा जोड़ी है। ये नई धाराएं सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जुबैर को विदेशों से चंदा मिला था और ऑल्ट न्यूज की मूल कंपनी प्रावदा मीडिया को कुल लगभग 2,31,933 रुपए मिले हैं। साथ ही सोशल मीडिया विश्लेषण के दौरान ये देखा गया कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल पाकिस्तान और ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत से थे। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को दी है, साथ ही FIR की कॉपी भी ED को सौंपी है। बताया जा रहा है कि ये डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई थी। अब दिल्ली पुलिस लगातार जुबैर पर नए मामले दर्ज कर रही है, ऐसे में जुबैर की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।